हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिस बैंक में अगर आप अपना पैसा जमा करते हैं तो उनमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ सेविंग अकाउंट की। FD के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो बनाएंगे हम FD के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम आपको वो सेविंग अकाउंट बताने वाले हैं कि एक तो दोस्तों वो पॉपुलर है, मतलब कि ज़्यादातर लोग उनमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या फिर उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कौन से बैंक अकाउंट हैं जिनमें आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 8 सेविंग अकाउंट के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे इंटरेस्ट रेट किस बैंक में कितना मिल रहा है। साथ ही हम जानेंगे कि हम अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो मिनिमम बैलेंस हमको अकाउंट में कितना रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली है, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सेविंग अकाउंट के बेनिफिट, मतलब कि हम FD में भी दोस्तों अपना पैसा जमा कर सकते हैं। FD में हमें इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन FD के कुछ अलग रूल हैं और सेविंग अकाउंट के कुछ अलग रूल हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सेविंग अकाउंट के हमें कुछ बेनिफिट दिखते हैं, इसीलिए हम अपना सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करके ही ग्रो करना चाहते हैं। बेनिफिट दोस्तों क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक तो फंड की कोई भी लिमिट नहीं है, 10,000 डालें, 20,000 डालें, 1,00,000 डालें, ठीक है, 1 करोड़ डालें, कोई भी लिमिट नहीं है फंड की। सेविंग अकाउंट में आप कितना भी रुपए डाल सकते हैं। इसके बाद नो टाइम लिमिट, मतलब कि आज आपने डाला, कल परसों, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद आप उनको निकाल सकते हैं। इधर कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको इतने टाइम के लिए रखना है। और इसके बाद हमें कुछ फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि दोस्तों ATM मिलता है, तो ATM के थ्रू हम कभी भी पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, UPI के थ्रू हम किसी को भी पैसा कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ये जो पॉपुलर हैं जिनकी वजह से लोग अपना सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखना चाहते हैं, अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बाद दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, कुछ बैंक हैं जिनमें जीरो है जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और कुछ में आपको मिनिमम बैलेंस रखना है, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों सेविंग अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। आपको जब अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है उसी टाइम पर आपको नॉमिनी का फॉर्म ज़रूर भरना है, अदरवाइज दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्योंकि अभी बैंक में ऐसा बताते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है लेकिन उस पैसे को कोई लेने वाला नहीं है, तो नॉमिनी का मतलब होता है वारिस। तो अगर मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, मैंने वारिस बना दिया अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने फादर को, या फिर अपनी वाइफ को, किसी को ही बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सीनियर सिटीजन है, या फिर आपकी एज कितनी भी है, तो उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर कोई स्पेशल टाइम पीरियड भी नहीं है, जैसे कि 4 साल के लिए अगर आप पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ बेनिफिट दोस्तों है जिनकी वजह से लोग अपना सेविंग अकाउंट में ही पैसा रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जिस बैंक के बारे में जानने वाले हैं, उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। ठीक है दोस्तों, ये पॉपुलर बैंक है और यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 3% से लेके 3.50% पर एनम। ठीक है, मतलब कि 1 साल इतना दोस्तों आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि ब्रांच कहाँ पर है। अगर आप HDFC में अकाउंट ओपन कर रहे हैं जिसका ब्रांच किसी गाँव में है, ठीक है, कोई छोटा बैंक है, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 2500 रुपये बैलेंस रखना है। अगर कहीं मतलब कि जो सेमी अर्बन होता है, मतलब कि ग्रामीण भी नहीं और शहरी भी नहीं, वो बीच के होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर अगर कोई ब्रांच है तो वहाँ पर 5000 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अर्बन है या फिर ठीक है मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पर आपको जो न्यूनतम बैलेंस है ना, तो वो 10,000 रुपये रखना है अकाउंट में। अगर आप इससे कम रखेंगे तो दोस्तों पेनल्टी लगेगी, अगर 1 दिन के लिए भी कम हो जाता है तो भी दोस्तों पेनल्टी लगेगी। कुछ हैं जिनमें टोटल ओवरऑल मिला के 1 महीने या फिर क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस रखना होता है, लेकिन दोस्तों ये ऑनवेज आपको इतना रखना है। और इसके बाद दोस्तों अब इंटरेस्ट की बात करें तो 3% से लेके 3.50% तक मिल रहा है, तो 3% पर दोस्तों कम मिलेगा जब आप जमा करेंगे 50 लाख से कम, ठीक है, या फिर 50 लाख तक जमा करेंगे ना तब। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको 3.50% पर एनम तब मिलेगा जब आप 50 लाख या फिर उससे ऊपर डिपॉजिट करेंगे, तब मिलेगा।
ठीक है। अब दोस्तों आपके लिए तो नॉर्मली यही वाला है, ठीक है, तो HDFC में यहाँ पर इतना मिलेगा। अगर आपके पास ज्यादा फंड है, ठीक है, तो दोस्तों फिर आप इस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन हमारे जो व्यूअर है, ठीक है, तो वो ज्यादातर इसी कैटेगरी में आएंगे। अब दोस्तों जो दूसरा बैंक है उसका नाम है इंडसइंड बैंक, ठीक है। दोस्तों जो इंडसइंड बैंक है ना, इसमें 3.50% से और 6% पर एनम मिलता है। हम देख लेते हैं इसमें हमें जो न्यूनतम बैलेंस रखना है वो 10,000 दोस्तों ऑलवेज रखना है, और इसके बाद 3.50% पर एनम हमें इंटरेस्ट तब मिलेगा जब हम 1,00,000 रुपये तक रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 5% हमें मिलेगा अगर हम 2,00,000 रखते हैं, मतलब कि 1,00,000 से लेके और 10,00,000 के बीच में रखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, FD से थोड़ा ही कम है। और इसके बाद 6% आपको तब मिलेगा जब आप 10,00,000 से लेकर 25,00,000 तक रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसमें और आगे है वो करोड़ों में बात चली जाती है, तो अगर वो आपके काम का है तभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरा चार्ट। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट नंबर 3 पर देखेंगे, वो दोस्तों कोटक महिंद्रा है। इसमें ज़्यादातर लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं, इसका लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तुरंत अकाउंट ओपन हो जाता है, तुरंत इसका ATM वगैरह बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट है ना वो 3.50% से लेके 4% तक मिलता है। अब इसमें हम मिनिमम बैलेंस की दोस्तों बात करें तो 10,000 रुपये पर मंथ इसमें मेंटेन करके रखना है, मतलब कि 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी इसमें 100 रुपये भी बचेगा तो दोस्तों कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका ये रूल है, 3.50% आपको तब मिलेगा जब आप 50,00,000 रुपये तक रखेंगे, 10,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 50,000, अब जितना भी रखिए आपको इतना मिलेगा। लेकिन 50,00,000 या फिर इससे अधिक अगर आप रखेंगे तो 4% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और दोस्तों आपका फेवरेट कौन सा होगा वो इस वीडियो के एंड में मुझे बता देना, ठीक है, ताकि फिर मैं उस पर और मैं डीप वीडियो बनाऊँ, उसके बारे में और जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊँ। अब इसके बाद दोस्तों है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पॉपुलर बैंक, ठीक है, सरकारी बैंक, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो वो 2.70% से लेके 3% तक पर एनम मिल रहा है। मिनिमम बैलेंस आपको नील है, स्टेट बैंक में कोई भी कंडीशन नहीं है, आपको उसमें अगर 1 रुपये भी ना रखो तब भी दोस्तों चलता है, ठीक है। और इसके बाद है दोस्तों इसमें आपको इंटरेस्ट रेट 2.70 कम मिलेगा जब आप 10 करोड़ से लेके कम रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली यही मिलेगा आपको 2.70, और इसके बाद अगर 10 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा रखेंगे तब आपको 3% मिलेगा। तो स्टेट बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इतना मिलेगा, इंडसइंड बैंक की तुलना में बहुत कम मिलता है। और दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ से ब्रांच कौन सा पास है, इसमें आपको सर्विस अच्छी मिल रही है। वैसे अभी के टाइम में अगर आप एजुकेटेड हैं, UPI वगैरह चलाते हैं, तो ब्रांच कहीं पर भी वो मैटर नहीं करता, कभी 2-3 साल में आपको एक बार काम पड़ेगा, अदरवाइज जो सारे काम है तो आज के टाइम पर मोबाइल से हो जाते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए और ब्रांच दूर है तब भी दोस्तों चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें 2.75 से लेकर 3.35 तक पर एनम मिलता है। मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है, तो अगर किसी ग्रामीण शाखा में आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं 500 रुपये आपको मिनिमम रखना है, और ऐसे शहर जो ज़्यादा मतलब कि ग्रामीण भी नहीं है, ठीक है, और अर्बन भी नहीं है, मतलब कि अर्ध शहरी है, ठीक है, इसको अर्ध शहरी बोलेंगे, तो इसमें 1,000 रुपये कम से कम रखना है। और इसके बाद अर्बन या फिर मेट्रो, मतलब कि शहरी या फिर जो मेट्रो सिटी है, ठीक है, तो उसमें 2,000 रुपये रखना है। अब इसके बाद हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं, तो 2.75 पर एनम मिलेगा 50 करोड़ तक, ठीक है। तो दोस्तों और स्टेट बैंक लगभग सेम है, और 3% से लेके 3.35% तक मिलेगा अगर आप 50 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतना है, आप शहरी हैं या फिर ग्रामीण हैं कमेंट करके बताना, मेरा यहाँ पर एक मोटा मोटा अंदाजा लगेगा कि मेरे जो अधिक से अधिक व्यूअर है, ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों और इसके बाद हम देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, इसमें 2.70 से लेकर 3% तक मिल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बैंक है ना तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये अभी सरकारी बैंक चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और इसके बाद मिनिमम बैलेंस की बात करें तो ग्रामीण में 500, ठीक है, अर्ध शहरी में 1,000, और अर्बन में या मेट्रो में 2,000 रुपये रखना है। इसके बाद 2.70 इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा अगर आप 10,00,000 से कम रखते हैं, बैंक पर 10,00,000 या फिर 100 करोड़ तक रखते हैं, तब आपको मिलेगा 2.75, और 2.75 से लेकर 3% पर एनम का दोस्तों ये यहाँ पर कंडीशन है।
ठीक है। तो दोस्तों ज्यादातर जो हमारी व्यूअर है तो वो लगभग इसी में आते होंगे। बता देना दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, नॉर्मली दोस्तों यही है, मतलब कि जो सबसे पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ आप उसमें आते हैं या फिर नीचे। कमेंट करना दोस्तों, कमेंट करने से यहाँ पर जो आपका नॉलेज है तो वो बढ़ेगा। ICICI बैंक है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट से लेके 3.50 तक पर एनम मिलेगा। और इसमें हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो इसमें एक ग्रामीण करके भी ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप उसमें रखते हैं तो 1000 रुपये, उसमें अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है, तो आपको 1000 रुपये मिनिमम रखना है। अगर आप रूलर में करवाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना रखना है। एक ही नाम दोस्तों, एक ही नाम है, लेकिन फिर भी दो तरीके की ब्रांच हो सकती है। तो आप पूछ सकते हैं कि कितना मिनिमम बैलेंस रखना है अगर आप ग्रामीण हैं तो। अर्ध शहरी में 5000 रखना है और अर्बन या फिर मेट्रो सिटी में आपको रखना है 10000 रुपये मिनिमम बैलेंस, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप 50 लाख रुपये से कम रखते हैं। वहीं पर 3.50% आपको तब मिलेगा जब आप 50 लाख रुपये या फिर इससे अधिक रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये समझने में यहाँ पर सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। 8वें नंबर पर है दोस्तों कैनरा बैंक। 2.90% से लेकर 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और इसमें जो मिनिमम बैलेंस रखना है तो रूलर के लिए है 500 रुपये और अर्ध शहरी के लिए 1000, अर्बन या फिर मेट्रो के लिए दोस्तों 2000। तो कहना कि आप एक जिले में रहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको 2000 रुपये रखना है। अगर आपका एड्रेस है, ठीक है, तो दोस्तों वो किसी उसका तहसील का है, ठीक है, तो दोस्तों शायद आप इसमें आएंगे। और अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आप इसमें आएंगे। अब इसके बाद 2.90% आपको मिलेगा जब आप 50 लाख से कम रखेंगे और 4% आपको तब मिलेगा जब आप 2 करोड़ जाकर इससे अधिक रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था। और इसके बाद दोस्तों मैं जो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो दोस्तों FD के बारे में बताऊंगा। तो FD को लेकर आपके क्या व्यू हैं या फिर क्या डाउट हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं कवर करूंगा और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मैं कल या फिर परसों ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को इन फ्यूचर देख रहे हैं तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनमें से आपको कौन सा बैंक अच्छा लगा जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहेंगे, तो दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। कमेंट करने से आपको ही फायदा है, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।